अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 48, 60 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है कि प्राइम फैक्टर्स किसी वैल्यू के किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है, जब तक कि हमारे पास वन ना जाए। और डिवाइड भी हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताती हूँ कि जो भी नंबर हो हमारे पास, अगर उसके लास्ट में इवन नंबर या फिर जीरो हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ इतफाक से तीनों ही ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो इन्हें हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे, ये बन चुका है 24। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू 2 से इसलिए डिवाइड होगी क्योंकि इसके भी लास्ट में इवन नंबर ही है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे, ये बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ 48 को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 60, इसके लास्ट में 0 है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे एंड 2 टाइम 0 इज़ 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास, अरे बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, ये बन चुका है एक ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे कि क्या 3 के टेबल में 15 आता है। बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे और 5 को देख प्राइम नंबर है, इसलिए 5 को हमें 5 से ही डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 60 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, वह हमारे पास 72, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, ये बन चुका है 36। लास्ट में इवन नंबर है, ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, ये बन चुका है 18। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और यहाँ हमें 3 को 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 72 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम लिख लेते हैं 60 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट में हम लिख लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें इनकी पेयरिंग करनी है, ठीक है। टोटल 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हमें पहले चेक करना है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं, जिनकी तीनों में पेयरिंग हो सकती है। ये 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अच्छा, एक यहाँ पे ही हमें 3 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। और अब यहाँ पे ऐसा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि तीनों में मौजूद हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम 2 में पेयरिंग करेंगे। जैसे कि ये 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अब 2 में भी किसी की पेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ यहाँ एक 2 रह गया है, एक 5 रह गया और एक 3 रह गया है। तो लास्ट में जितने भी हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स रह जाएंगे जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, उनको भी हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। 3 बचे थे हमारे पास, उन्हें हमने कॉपी कर लिया। अब इन सब को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलें जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
टू टाइम टू इज़ फोर, फोर टाइम थ्री इज़ ट्वेल्व, ट्वेल्व टाइम टू इज़ 24, 24 टाइम टू इज़ 48, और 48 को हमें यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 48 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम 8 इज़ 40 का 0, 4 कैरी, 5 टाइम 4 इज़ 20 प्लस 4 24। अब इसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो वो हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 3 टाइम 0 इज़ 0, 3 टाइम 4 इज़ 12 का 2 1 कैरी, 3 टाइम 2 इज़ 6 प्लस 1 7। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM जो है वो आ चुका है, और वो है 720। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने LCM फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।